हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल कुक विद कोमल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँ बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट ढोकले की रेसिपी, जिसको हमने सिर्फ 2 कप बेसन से बना के रेडी किया है। और ये देखिए, बहुत ही जालीदार और स्पंची हमारे ढोकला बन के रेडी हुआ है, एकदम मार्केट जैसा। और ये देखिए, पास से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही स्पंची हमारा ढोकला बना है और जाली भी आपको इसमें दिख रही है, कितनी अच्छी है जाली बनी है। और कट करके भी दिखाती हूँ आपको, बहुत ही अंदर से हमारा ये जालीदार बना है। सिर्फ हमने बेसन से इसको बना के रेडी किया है और बहुत ही स्पंची बना है। ये देखिए, प्रूफ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बहुत ही अच्छा हमारा ढोकला बनके रेडी हुआ था। ये ढोकले की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाया है। तो ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमने 2 कप बेसन लिया है। 2 कप बेसन से हम ये ढोकला बनाएंगे, तो लास्ट वीडियो में बने रहें। तो इसमें हम ये 2 छोटे चम्मच नमक का डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। मैंने ये सिंधा नमक लिया है, आप नॉर्मल नमक भी ले सकते हो। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी हमें सिर्फ थोड़ा सा डालना है, 2 चुटकी, क्योंकि हल्दी डालेंगे तो उसका बाद में ढोकला बनने के बाद जो रेड रेड लाइन से आ जाती है, वो हल्दी के कारण ही होती है। और 1 छोटा चम्मच हमने नींबू का रस डाल दिया है। और ये मैंने 100 ml के करीब इसमें रिफाइंड ऑयल लिया है। 100 ml आपको 2 कप में लेना ही है, यानी कि 500 ग्राम बेसन में आपको 100 ml ऑयल लेना है रिफाइंड। और इसमें हम ये पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए, इतना ही हमारा पानी लग जाएगा, इसमें 1/2 लीटर हमारा पानी लग जाएगा। और कैसे पेस्ट बनाना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको ऐसे ही चलाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें पेस्ट बना लेंगे। तो मैं आपको ऐसे चलाती रहूँगी और ऐसे लगातार इसको गोल गोल घुमा के हमें पेस्ट बना लेना। तो ये देखिए, इस तरह हमारा ये पेस्ट बन गया। तो थोड़ा इसमें पानी मैं और डालती हूँ। तो टोटल हमारा 1/2 लीटर इसमें पानी लग गया था। तो 2 कप हमने बेसन लिया, तो 2 कप ही हमारा इसमें पानी लग चुका था। ये देखिए, और ये इस तरह का स्मूथ सा हमारा बैटर चाहिए हमें। अगर बैटर आपका सही बन गया तो आपका ढोकला बहुत ही स्पंची और जालीदार बनेगा। तो ये इसको हम ढक के कम हमें 1/2 घंटा छोड़ देना है। 1/2 घंटा बाद हम इसको यूज में लेंगे, तो अच्छे से बेसन फूल जाएगा। तब तक हम अगली तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई लिया, इसमें पानी डाला, इसमें हम नींबू डाल देंगे, जिससे क्या होगा, पानी गर्म होगा, हम ढोकला बना नीचे से कढ़ाई जलेगी नहीं, काला रंग की कढ़ाई नहीं होगी। नींबू डालने से जब भी आप कोई चीज़ बनाओ तो इसमें पानी डालते बॉईल करते हुए नींबू का टुकड़ा डाल दोगे तो आपकी ये कढ़ाई ज़्यादा काली नहीं होगी, सेम वैसी रहेगी। और इधर हम ये, मैं थाली ले रही हूँ, थाली में हम ढोकला बनाएंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया। रिफाइंड ऑयल ही फ्रेंड्स आपको लेना इस टाइम, क्योंकि रिफाइंड ऑयल में महक नहीं रहती। अगर आप सरसों का ऑयल लोगे तो उसमें महक हो जाएगी, तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो रिफाइंड ऑयल से थाली को मैंने ग्रीस कर दिया है। ये देखिए, इस तरह हमें ऑयल से अच्छे से इसको लगा देना है थाली में। आप कोई भी कंटेनर ले सकते हो, केक वाला भी ले सकते हो, लेकिन मैं थाली में बनाऊंगी, क्योंकि हमने ये 500 ग्राम बेसन का बनाया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये थाली में अच्छे से इसमें आ जाएगा। और ये देखिए, ये हमारा बेसन अच्छे से फूल चुका है, सॉफ्ट हो गया है एकदम। अभी हम इसमें एक चीज़ डालेंगे जिससे ये स्पंची बनेगा। तो ये देखिए, 1/2 छोटा चम्मच हमने इसमें ये डालेंगे। तो पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, अभी मैं फिर से दिखा रही हूँ। 1/2 छोटा चम्मच हमने इसमें ये बेकिंग पाउडर का लिया है, और थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालना है इसको, या तो आप हाफ हाफ बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा भी ले सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ बेकिंग पाउडर लिया है। और इसमें 1/2 छोटा चम्मच हमने लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए, मिक्स करते हुए एकदम डबल हो गया है, एकदम स्पंजी टाइप का ही फूल गया है। ये देखिए, ये बेकिंग पाउडर डालने के बाद ही होता है। और बेकिंग पाउडर डालते ही जस्ट आपको इसको थाली में निकाल देना है। ये सारी तैयारी आपको पहले से ही रखनी पड़ेगी। तो ये बेकिंग पाउडर डालते ही हमने जस्ट इसमें ये थाली में ये बैटर डाल दिया। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इनो भी ले सकते हो, उसका भी बहुत ही अच्छे से ढोकला बनेगा। और अभी हम इसको कढ़ाई में रख देंगे, पानी भी हमारा गर्म हो गया होगा। और इसको थोड़ा सा ये किनारी हमने थोड़ा खाली छोड़ा, जिससे जब बनेगा तो एकदम फूलेगा, तब इसमें जगह चाहिए। तो 1 इंच हमने इसको छोड़ दिया खाली थाली को। और ये मैंने स्टैंड रखा है, अगर आपके पास स्टीम वाला बर्तन हो तो उसमें भी आप स्टीम रख सकते, स्टीम से बना सकते हो, लेकिन हमने स्टैंड रख दिया। इसमें हम ये थाली रख देंगे, बहुत ही सावधानी से आपको रखना, क्योंकि इसमें कढ़ाई में जगह नहीं है और हमारी थाली थोड़ी सी बड़ी है, बड़ा बर्तन है, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको रखना। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देती हूँ।
तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको सेट कर दिया है। अभी हम ढक के इसको हाई फ्लेम पे 20 मिनट हमें इसको छुएंगे भी नहीं, ना ही हमें इसको खोलना है। 20 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। 20 मिनट आपको इसको हाई फ्लेम पे पकाना ही है, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो 20 मिनट हो गए हैं और ये देखिए एकदम थाली के ऊपर हमारा बैटर आ गया, अच्छे से फूल चुका है। तो ये बेकिंग पाउडर का कमाल है, बेकिंग पाउडर हमने डाला है। और ये देखिए चाकू से मैं इसमें डाल के दिखा रही हूँ, तो एकदम चाकू में ये बैटर बिल्कुल भी नहीं लगा। तो इसका मतलब हमारा ये अच्छे से ढोकला पक चुका है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। अगर चक्कू के थोड़ा लग रहा है तो आप 5 मिनट इसको और रख सकते हो। अभी हम गैस को बंद कर दिया, 5 मिनट इसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ढक के। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो अभी फिर से हम खोल लेते हैं, इसको बाहर निकालेंगे। काफ़ी हद तक ये ठंडा हो चुका है। ये देखिए हाथ लगा सकते हैं तो आसानी से हम इसको निकाल भी सकते हैं। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक से आप कोई भी कपड़े से पकड़ के या चिमटी से पकड़ के इसको निकाल सकते हो। तो हम इसको आसानी से ऐसे निकाल लेंगे। बहुत ही सावधानी से आपको निकालना, क्योंकि इस टाइम ये गर्म है, ठंडा होने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये देखिए कितना जालीदार बना है, पास से दिखा रही हूँ मैं, देखिए। और ये देखिए कढ़ाई भी हमारी बिल्कुल जली नहीं है, एकदम काली नहीं पड़ी है, सेम वैसी की वैसी। नींबू डालने का असर है इसमें, ये नींबू हमने डाला है, इसके कारण कढ़ाई बिल्कुल भी हमारी ख़राब नहीं हुई। इधर ये हमारा ये ढोकला ठंडा होने तक इसका वेट करेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अगली तैयारी कर लेते हैं तड़के की। तो तड़के में हमें क्या क्या चाहिए मैं बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने हरी मिर्च ली है, इनके 2 भागों में कट कर लिया है। ये करी पत्ता लिया है मैंने, थोड़ा ज़्यादा ही लिया, मुझे बहुत पसंद है ये। और 1 छोटा चम्मच हमने सरसों के बीज लिए हैं। और ये मैंने चीनी लिया है, 4 चम्मच के करीब हमने चीनी लिया है। अभी इस पैन में हम ऑयल डालेंगे, तो 1 बड़ा चम्मच हम ऑयल का लेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ये रिफाइंड ऑयल से ही मैं बना रही हूँ ये ढोकला, आप रिफाइंड ऑयल से ही बनाना है, सरसों के ऑयल से आपको बिल्कुल नहीं बनाना है, इस बात का भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ऑयल गर्म होने के बाद हमें सरसों के बीज इसमें डाल दिए हैं। सरसों अच्छे से तिड़क गई है, तिड़कने के बाद सरसों अच्छे से देखिए अच्छे से फूल गई है। फूलने के बाद आपको इसमें ये मिर्च और ये करी पत्ता डाल देना है। डालते एक बार ही अच्छे से ऊपर उछलेगी, देखिए कैसे पानी जैसा ऊपर उठेगा, क्योंकि हमने ये धोके डाला तो इसमें थोड़ा सा पानी था, इसलिए थोड़ा ये ऊपर उठ रहा है। अभी इसको थोड़ा सा पकने के बाद इसको मिक्स कर देंगे, अच्छे से चला देंगे। थोड़ा सा मिर्च सॉफ्ट होने के बाद आपको जस्ट इसमें पानी डाल देना है। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है मिर्च को, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। सॉफ्ट हो गई है मिर्च, तो इसमें हम ये 1 कप पानी डाला है। हमने 2 कप बेसन लिया, उसी का 1 कप हमने पानी डाल दिया है। इसमें हम ये 1/2 कप के करीब हम इसमें चीनी डाल दी है, यानी कि 4 छोटे चम्मच हमने इसमें चीनी का डाल दिया है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, उबाल आने तक अच्छे से पका लेंगे। जब तक चीनी मेल्ट हो जाए तब तक हमें इसको पका लेना है। तो ये देखिए अच्छे से इसमें उबाल आ गए हैं, तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे। तड़का हमारा रेडी हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल तरीका, इस तरीके से आप ढोकला बनाओगे तो आपका बिल्कुल भी ढोकला ख़राब नहीं होगा, एकदम स्पंची और जालीदार ढोकला बनेगा। और ये देखिए हमारा तड़का भी बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अभी हम ये देखिए ये हमारा ये ढोकला भी ठंडा हो गया, तो इसको हम अलग बर्तन में निकाल सकते हैं, या तो आप इसी थाली में भी कट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इसको अलग बर्तन में निकालूंगी। अगर मैं वीडियो नहीं बनाती तो इसी थाली में मैं इसमें चाशनी डाल देती है जो तड़का डाला था, लेकिन आपको दिखाना है इसलिए मैं आपको अलग बर्तन में इसको निकाल के दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छे से हमारा ये ढोकला बना है, इसीलिए मैं इस थाली में आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो फिर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी कमेंट में बताना कि मेरी ये ढोकले की रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये देखिए कितना जालीदार बना है, आप जब बनाओगे ना तभी पता चलेगा। जिसको खाना नहीं भी बनाना आता वो भी इस ढोकले को आसानी से बना सकता, बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया है। और ये देखिए कितना स्पंची बना है, जाली आपको दिख ही रही होगी इसमें। तो फ्रेंड्स अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देख लिया, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, तो आपका ढोकला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि हम कुछ किस समय क्या चीज़ डालते हैं वो स्किप हो जाती है, तब अच्छे से हम सामग्री नहीं डाल पाते, इसी के कारण हमारा ढोकला कोई भी रेसिपी ख़राब हो जाती है। अगर आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप देखा है इसको, तो आपका ढोकला इसी तरह स्पंची बनेगा। और मैंने पहले भी शुरू में भी दिखाया था कि ये स्पंची कितना स्पंची बना, तो फिर से मैं दिखा रही हूँ इसको, फिर से मैंने ऐड कर दिया है इसको। देखिए अच्छे से ये कितना स्पंज ऐसे दब रहा है, बहुत ही अच्छा हमारा ढोकला बन के रेडी हुआ है। तो मैं ऐसे ही सभी को कट कर लेती हूँ, सारे ढोकले को ऐसे ही कट कर लेंगे। कोई भी कैसे भी आप कट कर सकते हो, मैंने नॉर्मली ऐसे कट कर रही हूँ। बहुत ही देखिए कट करने से मैं आपको दिखा रही हूँ, बीच में स्किप नहीं किया है, बहुत ही स्पंजी बना है और बीच बीच में बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है। तो अगर आपका बैटर सही होगा, अगर आपका बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा, अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तब भी ये बनने के बाद भी आपका ये टूट के बिखर जाएगा।
अगर आपका बैटर सही बना है, आपने अच्छे से वीडियो देख लिया, तो आपका ये बैटर बिल्कुल भी खराब, ये ढोकला खराब नहीं होगा। बैटर आपने में जैसे मैंने बताया सेम वैसे ही बनाओगे, पानी उतना ही डालोगे मेजरमेंट के हिसाब से, तो आपका ढोकला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ठंडा होने के बाद हमने कट किया, उसके बाद हम ये इसमें ये जो पानी बनाया था तड़के वाला वो इसमें डाल देंगे। सारा पानी हमें इसमें डाल देना है, इसमें रखना नहीं है बिल्कुल भी। तो हमने 2 कप बेसन लिया है, उसी का 1 कप हम इसमें पानी डाला है और उसी का 1/2 कप हमने तड़के में चीनी डाली है। बस इसी का ध्यान दे लिया ना, तो आपका ये तड़का भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेडी होगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं सारा इसमें डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसको एक बार घर पे बना लिया तो आप मार्केट से ढोकला लाना भूल जाएंगे और पेट भर के सारे पूरा फैमिली आप अच्छे से खा पाओगे। बहुत ही कम बजट में ढोकला पेट भर के खा सकते हो। मार्केट से लाते तो थोड़ा महंगा पड़ता है, आग घर में आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो आपको प्लेट में दिखाती हूँ, बहुत ही 5-6 लोगों के लिए अच्छे से हमारा 2 कप बेसन से ढोकला बना लिया है, बहुत ही कम बजट में हमने बनाया। अगर मार्केट से लाते तो बहुत ही महंगा पड़ता है और पेट भर के हम नहीं खा पाते। अगर घर पे आप बनाओगे तो पूरा फैमिली आप पेट भर के 2 कप बेसन से खा सकते हो, इतना ये बनता है बहुत ही कम बजट में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। घर में कोई भी चीज़ बनाते हैं हेल्दी होता है और 1-2 बार बनाओगे तो आपको ये हैबिट हो जाएगी। 1-2 बार ख़राब होती है कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमारे 1 बार में परफेक्ट बन जाएगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो सच में ही आपका ढोकला 1 बार में ही परफेक्ट बनेगा, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। आपको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये देखिए, ऐसे मैं सारा ढोकला आपको निकाल के दिखा रही हूँ, बहुत ही जालीदार और स्पंची बना है। कोई भी मेहमान आए, कोई भी नाश्ता खाने का मन करे या सुबह का नाश्ता या लंच में भी आप इसको खा सकते हो। अगर इस तरह घर पे बनाओगे तो लंच में भी सभी फैमिली इसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हो, बहुत ही मज़ेदार लगता है। बहुत सारे हमारे ढोकले बन के रेडी हो गए हैं। 2 कप बेसन से हमने मैंने दिखाया कितना सारा हमारा ढोकला बन गया है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ऐसे मैं सारे निकाल लेती हूँ, सारा नहीं निकालूँगी, जितना आप जितना खाना है उतना ही हम निकालेंगे। और ये देखिए, ये ग्रीन चटनी ली है, इससे आप ढोकला खा के इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मस्त बनती है। ग्रीन चटनी इसके साथ ज़रूर बनाइए। अगर आपको इसकी ग्रीन चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर ये रेसिपी बना के दिखाऊँगी। और ढोकले की रेसिपी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी साथ, तब तक के लिए बाय बाय।